जहां कोरोना से निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहल तेज कर दी गई है, लेकिन अब जनप्रतिनिधि भी आगे आने लगे हैं। इसी क्रम में दुमका विधायक बसंत सोरेन ने अपने विधायक निधि से दुमका विधानसभा क्षेत्र को 2 एम्बुलेंस दिए, जिसे दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने 7 मई को जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम जानकारियां ली थी, जिसमें सिविल सर्जन द्वारा एम्बुलेंस की कमी का मामला भी सामने आया था। विधायक बसंत सोरेन ने एम्बुलेंस की समस्या को देखते हुए अपने विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस देने की बात कही थी, जिसमें एक एम्बुलेंस दुमका व दूसरा एम्बुलेंस मसलिया प्रखंड के लिए। इस मौके पर दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा, जिला प्रशासन के पास एम्बुलेंस की कमी थी। ऐसे संक्रमण काल में जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस प्रकार का कार्य जिला प्रशासन को मजबूती प्रदान करता है। पूरे राज्य में अभी कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से काफ़ी सारे पहल किए जा रहे हैं। सभी गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ सैम्पलिंग, टेस्टिंग और मरीजों का इलाज भी चल रहा है। ऐसे समय में जनप्रतिनिधिगण के तरफ से इस तरीके से एम्बुलेंस देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस काफ़ी कम संख्या में है और हमारे हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस में से है। उसमें कई सारे काफ़ी पुराने भी हो चुके थे, तो ये बहुत ही अच्छी एक एसेट है जिला प्रशासन के लिए। इन जो विधायक निधि से खरीदा गया है दुमका और मसलिया प्रखंड के लिए, इसे दिया जाएगा और मरीजों को ग्रामीण क्षेत्र से अस्पताल तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा। कोरोना की लड़ाई में देर से ही सही जनप्रतिनिधि अब आगे आने लगे हैं। ऐसे में अब इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि अगर जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए पहल करे तो शायद यह जंग आसानी से जीती जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।